नमस्कार वन इंडिया, हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल सुनील। ट्रेन से सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए और देश भर में कोविड लॉकडाउन प्रतिबंधों का पालन करते हुए IRCTC ट्रेनों में पके हुए भोजन की सेवा को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। पके हुए भोजन की बहाली रेलवे बोर्ड से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार की गई है। दरअसल कोरोना काल में रेलवे ने कई सेवाओं को बंद कर दिया था, लेकिन अब कोरोना का असर कम होने के बाद रेलवे ने पुरानी सेवाओं को फिर से बहाल करना शुरू कर दिया है। कोरोना लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ ही IRCTC ने ट्रेनों में पके हुए खाना देने की सुविधा को पूरी तरह से शुरू करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्रियों को अब खाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पहले इसे कुछ ट्रेनों में शुरू किया था, लेकिन अब सभी ट्रेनों में ये सुविधा शुरू कर दी गई है। बता दें, पके हुए भोजन की सुविधा को बहाल करने के लिए रेलवे बोर्ड की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। करीब 428 ट्रेनों में पहले ही ये सुविधा शुरू की जा चुकी है। इसके अलावा रेलवे ने 21 दिसंबर से 30% ट्रेनों में इस सुविधा को शुरू करने का फैसला लिया था। वहीं इसके अलावा 22 जनवरी तक 80% ट्रेनों में ये सुविधा शुरू कर दी गई थी। वहीं बाकी 20% ट्रेनों में 14 फरवरी 2022 तक ये सुविधा बहाल कर दी जाएगी। इसके अलावा प्रीमियम ट्रेनों, राजधानी, शताब्दी, दुरंतों में पका हुआ भोजन पहले ही बहाल कर दिया गया था। गौरतलब है कि 23 मार्च 2020 से कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र सुरक्षा उपायों के कारण खानपान सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। देश में कोरोना पॉजिटिव रेट में गिरावट के साथ ट्रेनों में खाने के लिए तैयार भोजन 5 अगस्त 2020 से शुरू किया गया था, लेकिन ये बहुत कम ट्रेनों में किया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।